नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमाकांत उपाध्याय। बंगाल में अभी हिंसा की आग बुझी नहीं थी कि अब सीबीआई के एक्शन के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। तो इसी बीच बड़ी खबर आई है कि ममता को हाईकोर्ट ने बड़ा धक्का दे दिया है। जी हाँ, नारद स्ट्रीट मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए टीएमसी के चार नेताओं की जमानत पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। स्पेशल कोर्ट ने राज्य के मंत्री फराद हकीम तथा सौगत मुखर्जी, पार्टी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चक्रवर्ती को सोमवार को गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे बाद जमानत दे दी थी। हालांकि इसके बाद तुरंत सीबीआई इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि वे यहां ठीक से काम करने में असमर्थ हैं और उनकी जाँच प्रभावित हो रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों टीएमसी नेताओं की जमानत को रद्द कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सोमवार की सुबह कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन नेताओं के घरों से उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर में रखा गया। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की है। चारों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं, जहां वे सुबह से लेकर शाम तक 6 घंटे तक रुकी रहीं। शाम को जब वे बाहर आईं तो उन्होंने कहा कि कोर्ट फैसला करेगा। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि बनर्जी कार्रवाई की जांच का जुम्मा सीबीआई को सौंपे जाने के कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले में दखल के समान है। सीबीआई ने दावा किया था कि नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सेमल्स ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते थे। घटना के वक्त चारों आरोपी मंत्री थे। आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि चारों प्रभावी व्यक्ति हैं और इस चरण में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो जांच प्रक्रिया बाधित होगी। अब खैर, देखना होगा कि कोलकाता हाईकोर्ट इस पर क्या कार्रवाई करता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।